नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हर तस्वीर में कहानी है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जब अपनी बुजुर्ग मां से बातचीत की तो उनका एक अलग ही रूप सामने आया और मां और बेटे की रोचक बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्रह्मानी कर बू ना ये दादा ना ब्रह्मानी कर बू कहीं दादा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जब घूमते हुए अपने पैतृक गांव बक्सर के गेरुआ बांध पहुंचे तो 90 वर्षीय मां गुलरिया देवी के सामने नतमस्तक हो गए। तभी शुरू हो गया मां और बेटे के बीच बातचीत का रोचक सिलसिला। तो कहे ऐसा प्रचार करती है कि माई के मिला ले लेनी बेमानी कर बू ना ये दादा ना बेमानी कर बू। गांव वालों के सामने ही पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपनी बुजुर्ग मां से मनुहार करने लगे, बहाने बनाकर मां का दिल टटोलने लगे तो मां की साफ गोई और बच्चों के प्रति स्नेह का भाव छलक कर सामने आ गया। बाकी तू हर मन में बेमानी नहीं कर रहा? बेमानी हम करो रे बाप रे बाप, हमारे जामल हमें बेमानी करो पक्का। अरे बारे बाप रे बाप। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी दुलारी मां से मनोरंजक बातचीत का ये वीडियो खुद ही सोशल मीडिया में जारी करते हुए लिखा कि 90 साल की उम्र में भी मां की आवाज में वही खनक बरकरार है जो उन्हें आज भी प्रेरणा देता है। कि मैं कहती है कि साधु हो गए तो उनका अब काहे खाते खेत जमीन चाहिए, मैं हम छोटकी कहती है हम ही लिखवा ले तो जाने में साधु न बन, हमारा जन्म बेटा न बन, हम साधु का जानता नहीं, हम तो जानते बेटा बन। गांव वालों के सामने ही मां और बेटे के बीच मीठी नोकझोंक और तकरार चलती रही। बेटे गुप्तेश्वर पांडे मां से अपने भाइयों की झूठी शिकायत करते रहे तो बुजुर्ग मां भी अपने दुलारे बेटे को दिलासा देती रही। मां और बेटे के बीच का संवाद देखते ही देखते सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर नवादा के कौवा कॉल थाने में चर्चित फिल्म पुष्पा का डायलॉग गूंजा और एक युवक मोबाइल कैमरा लेकर थाने पहुंचा और जवानों के सामने ही पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगाने लगा। पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या? वही फायर है, मैं फायर है, मैं थाना में बोल रहा हूँ फायर है मैं। कौवाकोल थाने में खाकीधारियों के सामने खुद को फायर बता रहे इस युवक के वीडियो ने नवादा में तहलका मचा दिया है। वही फायर है मैं, फायर है मैं, थाना में बोल रहा हूँ फायर है मैं, फायर। कौवाकोल थाने के बाहर खड़े इस युवक का नाम है अमन। खुद को छात्र बता रहे इस युवक ने मोबाइल कैमरे के सामने पुलिस को खुलेआम चुनौती दे डाली और बिचौलियों के इशारे पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप भी मर दिया। पढ़ने लिखने वाला लड़का को प्रियंकर बोल के मारा है, पैसा लेके कौवाकोल थाना में। कौवाकोल पुलिस के सामने ही ये युवक पुलिस को भला बुरा कहता रहा तो वहाँ मौजूद जवानों का पारा चढ़ गया, लेकिन मोबाइल कैमरे के लाइव वीडियो के आगे इस युवक को रोकने की किसी को हिम्मत नहीं हुई। आप मोबाइल छीन लेना सर, मारिएगा मारिए मारिए, कुछ दिन पहले दूरिए हमारिए मारिए मारिए मारिए, उस दिन तो बहुत मार रहे थे, मैं माँ बाप सबको गरिया रहे थे। कौवाकोल थाने के बाहर रिकॉर्ड करीब 3 मिनट के इस वीडियो में इस युवक ने फिल्मी स्टाइल में नवादा पुलिस पर आरोपों की छड़ी लगा दी और लगे हाथों बेरहमी से पिटाई का इल्जाम भी जड़ दिया। हालांकि इस वीडियो में लग रहे आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये वीडियो फिलहाल तेजी से वायरल हो रहा है। अनिल विशाल, न्यूज 18, नवादा। और अगली तस्वीर कटिहार से। कटिहार के केएमसीएच में डॉक्टर पति पत्नी के विवाद को लेकर हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा हुआ। पत्नी बार बार गुहार लगाती रही लेकिन रूठा पति अपनी पत्नी को अपनाने से इनकार करता रहा। कटिहार मेडिकल कॉलेज के कमरे में मिस्टर डॉक्टर और मिसेस डॉक्टर के बीच तू तू मैं हो रही है। डॉक्टर पत्नी बेवफाई का आरोप लगा रही है, जवाब में डॉक्टर पति झूठे बहाने बना रहे हैं।
ये है KMCH के डॉक्टर संतोष कुमार और ये हैं DMCH की डॉक्टर रेणु प्रभा। 5 साल पहले ऐसा मनमुटाव हुआ कि डॉक्टर संतोष कुमार पत्नी से अलग रहने लगे। मासूम बेटे की भी कभी फिक्र नहीं की। परेशान पत्नी बार बार मनाती रही, जब नहीं माने तो महिला संस्था के सदस्यों के साथ दरभंगा से कटिहार पहुंची। SKMCH के कमरे में पति और पत्नी के बीच आमना सामना हुआ तो आरोप प्रत्यारोपों का पिटारा जैसे खुल सा गया। वो बस प्लान कर लिया है एक तरफा, जो हमको नहीं रहना है इसके साथ। अब क्यों इसी के लिए हम इन लोगों को लेके आए थे कि जो वो रीजन दे प्रॉपर, जो ये क्यों नहीं चाहता है, मतलब इस सच। KMCH की कोठरी में जैसे ही डॉक्टर पति और पत्नी एक दूसरे के सामने आए, वैसे ही पुराने जख्म खड़े हो गए। डॉक्टर पति परिजनों को परेशान करने का आरोप लगाने लगे तो डॉक्टर पत्नी इश्कबाजी का आरोप गढ़ने लगी। देखते ही मेडिकल कॉलेज का कमरा पति पत्नी के बीच जंग का अखाड़ा बन गया। महिला विकास मंच के सदस्यों ने दोनों को समझाया, बेटे के भविष्य के लिए दोनों को साथ रहने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। जी, डॉक्टर संतोष जी ने यह डिसीजन लिया है कि अब रेणु जी को वो लीगल प्रोसेस में डिवोर्स देंगे, जो कि वो शुरू से उनके मन में था, लेकिन अभी ये जो इतना कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने इंस्टेंट ये डिसीजन लिया, वो भी किसी के बहकावे में ही लिया है। मरीजों को नई जिंदगी देने वाले डॉक्टर पति और पत्नी के इस हाई प्रोफाइल झगड़े ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। पत्नी रिश्ता बचाने की कोशिश में दौड़ भाग कर रही हैं, लेकिन पति 7 जन्मों का बंधन इसी जन्म में तोड़ने पर आमादा नजर आ रहे हैं। डॉक्टर फैमिली का ये हाई प्रोफाइल ड्रामा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सुब्रत गुहा, News 18 कटिहार। उधर वैशाली में विवाह के मंडप पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जब रूठे दूल्हे राजा सिर पर सहरा बांधने से नानुकुर करने लगे तो परिजनों के हाथ पांव फूल गए। फिर क्या कुछ हुआ, आप इस तस्वीर में देखिए। विवाह का मंडप सजा है, पंडित जी पवित्र मंत्र पढ़ रहे हैं, एक दूजे का हाथ थाम कर बैठे वर वधू 7 जन्मों तक साथ निभाने की शपथ ले रहे हैं। लेकिन दूल्हे राजा के चेहरे पर शिकन दिख रही है, सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूबे हुए हैं। परिजन बार बार विनती कर रहे हैं, लेकिन साजन हैं कि सहरा पहनने को तैयार ही नहीं हो रहे। तो मंडप में रूठे दूल्हे राजा को मनाने की कोशिश भी जोर शोर से हो रही है। मंडप में रूठे दूल्हे मियां के सिर पर नानुकुर करते हुए मुकुट सजा, पंडित जी वैदिक मंत्र पढ़े और इस तरह से रूठे दूल्हे राजा ने विवाह की रस्में पूरी की। ये वायरल वीडियो है भगवानपुर के प्रताप टांड का। दूल्हे राजा अमन और दुल्हनिया बनी ज्योति 1 साल से एक दूजे से प्यार करते थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो अमन मुकर गया। परिजन लालगंज पुलिस के पास पहुंच गए, तभी अमन और ज्योति की शादी हो सकी, लेकिन शादी के मंडप में भी अमन रूठा रहा। साल भर से क्या कर रहा था, शादी करेंगे, अब परसों क्या हुआ? अभी कर रहा था कि शादी नहीं करेंगे, तब इसके घर पर आ गई, लेकर आया था यही, ये अपना घर पे। इसके बाद कह रहा था कि हम नहीं शादी करेंगे, बारात लोगा करा के बोलबे ला खत आइला खतरा तो भरे को के फेन बियाह करके नाट गेले तो बंद कर देले रही करता ए बेर बा माने बियाह करला यही ना चनन मनर करे ये ले नखरा कर रहा है। लालगंज पुलिस के दबाव और जोर जबरदस्ती से ज्योति और अमन तो 7 जन्मों के बंधन में बंध गए, लेकिन ये संबंध तभी टिकाऊ हो सकेगा जब पति और पत्नी के बीच का भरोसा बरकरार रहेगा। प्रफुल्ल कुमार, News 18 वैशाली।
इधर बघा में ग्रामीणों के मनोरंजन के नाम पर ऑर्केस्ट्रा नाइट का शामियाना सजा तो तीन तीन डांसर्स नाचने लगी, जिन्हें देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ खड़ी रही। रंगीन शामियाने के नीचे एक नहीं दो नहीं तीन तीन नचनियां नाच रही है और उनका नाच देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। ये वायरल वीडियो है पटखौली के यमुनापुर गांव का, जहां मां सरस्वती की मूर्ति के विसर्जन के बाद ग्रामीणों के मनोरंजन के नाम पर ऑर्केस्ट्रा नाइट का आयोजन किया गया तो उस स्टेज पर तीन तीन ऑर्केस्ट्रा गर्ल जलवे बिखेरने लगी। गांव के चौराहे पर जैसे जैसे म्यूजिक और डांस का रंग जमने लगा, वैसे वैसे गांव वालों का हुजूम उमड़ने लगा। यमुनापुर के इन ग्रामीणों ने थोड़ी देर पहले ही मां सरस्वती को विदा किया था, तभी रात के अंधेरे में गांव के चौराहे पर सजा स्टेज दूधिया रोशनी में नहा उठा और उस स्टेज पर भोजपुरी गाने गूंजने लगे। फिर तो तीनों डांसर्स एक साथ थिरकने लगी और अपने धमाकेदार डांस से गांव वालों का दिल लूटने लगी। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे इस महफिल में जोश बढ़ने लगा। डांसर्स के डांस और म्यूजिक में बंधे ग्रामीण ठिठुरती रात में भी स्टेज के बाहर घंटों खड़े रहे और नचनिया का नाच एकटक देखते रहे। यमुनापुर गांव के भरे चौराहे पर नाच गाने की ये महफिल रात भर चलती रही। डांसर के ठुमकों पर फिदा गांव वाले झूमते रहे, जोश के मारे हो हल्ला मचाते रहे, लेकिन बघा पुलिस की नींद नहीं टूटी। मुन्ना राज, न्यूज 18, बघा। और दर भागलपुर में सरस्वती पूजा के नाम पर भक्तों ने अश्लील महफिल सजाई और मोटी रकम खर्च करके नचनिया को नचाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुरी गाने की धुन पर नचनिया नाच रही है तो संग संग मनचले भी थिरक रहे हैं। कोई मोबाइल कैमरे से वीडियो उतार रहा है तो कोई डांसर के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। ये नजारा है खरीक के बगड़ी गांव का। मां सरस्वती को विदा करने के बाद जब उनके भक्त थक कर चूर हो गए तो थकान दूर करने के लिए ऐसी रंगीन महफिल सजा दी, जहां डांस करने के लिए मोटी रकम देकर बाहर से डांसर को बुलाया और रात भर नचाया और खुद भी नाचते रहे। ये देखिए, जब स्टेज पर बलखाती और मचलती डांसर जलवे दिखाने लगी तो जोश के मारे दर्शकों का हुजूम हो हल्ला मचाने लगा। तभी सिरफिरे पर ऐसा खुमार चढ़ा कि वो भी स्टेज पर चढ़कर नचनिया संग ठुमके लगाने लगा। कहीं पूजा की आड़ में अश्लीलता का तमाशा हो रहा था तो कहीं मंचलों के हुजूम ने ऑर्केस्ट्रा गर्ल को घेर लिया था और संग संग डिस्को डांस किए जा रहे थे। ये देखिए, चारों ओर एक दर्जन से भी ज्यादा मंचलों से घिरी ये डांसर बड़ी मुश्किल से डांस कर पा रही है, फिर भी ये मंचले हैं कि मानते ही नहीं। पूजा के नाम पर खरीक के गांव-गांव में रात भर अश्लीलता का नाच हुआ, जहां नचनिया के साथ साथ नशे में मदहोश सिरफिरे भी झूमते रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन नौगछिया पुलिस की नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही। आशीष रंजन, न्यूज 18, भागलपुर। बिहार की तरक्की का नया रास्ता तलाशने निकला जल जहाज उम्मीदों के सफर पर बढ़ा चला जा रहा है। 25 दिन बाद जब यह सफर पूरा होगा तो बिहार में जल क्रांति की बुनियाद मजबूत हो जाएगी। बिहार की तरक्की की नई राह तलाशने के लिए लंबे समय पर निकला उम्मीदों का ये जहाज लगातार बढ़ा चला जा रहा है।
बिहार के लिए पानीपत का वो सुनहरा मौका ढूंढ रहा है जो बिहार के लिए पूरे देश और दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। इसलिए जब माँ गंगा की गोद में पटना से भागलपुर और साहिबगंज के रास्ते ये जहाज मंजिल की ओर बढ़ा तो रास्ते भर बिहार और झारखंड वासियों की निगाहें इस चमचमाती हुई किश्ती पर ही टिकी रही। अगले कुछ दिनों में ये नाव डायमंड हार्बर के रास्ते सुंदरवन की ओर बढ़ेगा, फिर बांग्लादेश के जलमार्ग से गुजरते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते अपनी मंजिल यानी गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह में पड़ाव डालेगा तो बिहार में जल क्रांति की नींव खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस जहाज के सफर के शुरुआत में आई अड़चनों ने सबको चिंता में डाल दिया था। जब 5 फरवरी को पटना के गायघाट से हरी झंडी मिली तो गंगा नदी के पानी में 10 किलोमीटर तैरते ही पीपा पुल ने रोड़े अटका दिए। कच्ची दरगाह पर पड़ाव डाले एक एक करके पूरे 45 घंटे गुजर गए, तब उम्मीदों की इस नैया को रास्ता मिला और फिर भागलपुर और साहिबगंज होते हुए ये जल जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है और जाना जरूर है। पटना से गुवाहाटी के बीच 1500 किलोमीटर लंबा सफर ये जल जहाज 25 दिन में पूरा करेगा तो सड़क, रेल और हवाई के बाद जलमार्ग के रूप में बिहार को विकास का वो नया रास्ता तो मिल ही जाएगा जिसकी तलाश लंबे समय से थी, तो साथ ही बिहार की तरक्की का एक और दरवाजा भी खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर भागलपुर में आधुनिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सपना एक बार फिर साकार होता दिख रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी की नींव रखने के लिए जमीन की तलाश तेज हो गई है। आठवीं शताब्दी में ज्ञान विज्ञान के प्रमुख केंद्र रहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के इन खंडहरों के आसपास जब एक बार फिर आधुनिक विक्रमशिला विद्यालय की नींव खड़ी होगी तो ये यूनिवर्सिटी भी बिहार की ही नहीं पूरी दुनिया में शिक्षा का उजाला फैलाने लगेगी। उसी विश्वविद्यालय की जमीन तलाशने के लिए केंद्र और बिहार सरकार के अफसरों ने कहलगांव में बियाडा से लेकर परशुराम चक और एक डारा से लेकर मलकपुर का दौरा किया तो एक बार फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सपना साकार होता नजर आया। परशुराम चक में और बगल में एक डारा है, वहाँ देखती है अंतिचक और गोल नंदगोला, यहाँ पे एक मौजा है, तीसरा ये तो दोनों पहले से प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के इस कैंपस में कभी दुनिया भर के विद्वानों का जमावड़ा लगता था। यहाँ पढ़ने के लिए देश के कोने कोने से छात्र आते थे। इसी विश्वविद्यालय में कभी बौद्ध धर्म, दर्शन, न्याय और व्याकरण की कई किताबें लिखी गई। लेकिन आज उस समृद्ध विश्वविद्यालय के नाम पर बस खंडहरों की दुनिया ही बची रह गई है। उसी विश्वविद्यालय के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में नया केंद्र विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान किया था। उस घोषणा के अब 7 साल होने को है। केंद्र टीम ने जमीन के लिए दूसरी बार कहलगांव का दौरा किया है। तो 2-3 जगह थे तो उन्हीं को ये सुटेबल कौन सा होगा, विच इज द मोस्ट सुटेबल, उसी को देखने ये आए थे। केंद्र और बिहार सरकार के अफसरों के दौरे ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के सपने को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आधुनिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चमचमाती इमारत खड़ी होने लगेगी और वहाँ पढ़ने के लिए एक बार फिर देश और दुनिया भर के छात्र बिहार का रुख करने लगेंगे। विकास सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। और भागलपुर के होनहार कलाकार मनीष कुमार की कलाकृतियां 7 समंदर पार भी धूम मचा रही है। बुरे दौर में अपनी प्रतिभा से उभरा ये कलाकार हर किसी को प्रेरणा दे रहा है। हैदराबाद का मशहूर चार मीनार हो या फिर दिल्ली की जामा मस्जिद, अमृतसर का पवित्र स्वर्ण मंदिर हो या फिर ध्यान मग्न भोलेनाथ,
भागलपुर के होनहार कलाकार मनीष कुमार के हुनरमंद हाथ जब पुराने कागज और कतरनों पर कारीगरी दिखाने लगते हैं तो एक से बढ़कर एक कलाकृति का नमूना सामने आ जाता है। आज मनीष कुमार के हाथों से बने इन कलाकृतियों की डिमांड देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि सात समंदर पार अमेरिका में भी है। यूएसए से ऑर्डर 5 ऑर्डर आए हैं और इंडिया से ऑर्डर आते रहते हैं। अभी ऐसे रांची से एक ऑर्डर आया है, उनका बनाना है कैक्टस। अभी एक नरेंद्र मोदी का स्टैचू बना रहे हैं और ये एक राम मंदिर का मंदिर बना रहे हैं। बचपन में सिर से पिता का साया उठ गया, तब नाथ नगर के एक परिवार ने सहारा दिया। उसी साथ की बदौलत कलाकार मनीष कुमार हर दिन कल्पना की नई उड़ान भरने लगे। आपके सामने सजा कलाकृतियों का ये रंग बिरंगा संसार उसी कल्पना की देन है, जिसमें युवा कलाकार मनीष कुमार हर दिन डूबते और उतरते नजर आते हैं। और आज उनकी अद्भुत कलाकृति की चर्चा हर कोई कर रहा है। ये धीरे धीरे उसमें बढ़ के आज यहाँ तक देख ही रहे हैं इसकी कला कितनी जायदे, मतलब ख्याति प्राप्त ये बच्चा हो गया है। सच्ची कहा गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह। किस्मत ने कांटों का अंबार बिछा दिया, लेकिन होनहार मनीष कुमार उन कांटों के बीच से अपना रास्ता तलाशते रहे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। विकास सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। बोकारो के होनहार बीसीए छात्र अपूर्व सिंह की इलेक्ट्रॉनिक फटफटिया बिना पेट्रोल पिए 80 किलोमीटर दौड़ती है। महंगाई के जमाने में ये दमदार बाइक बड़ा सहारा बन सकती है। बोकारो की सड़कों पर जब ये इलेक्ट्रिक फटफटिया एक बार स्टार्ट होती है तो फिर फर्राटे से पूरे शहर की सैर कराकर ही रुकती है। बोकारो के होनहार बीसीए स्टूडेंट अपर्व सिंह की अनूठी खोज बढ़ती महंगाई के जमाने में बाइक राइड के शौकीनों में नई उम्मीद जगा रही है, क्योंकि ये फटफटिया न तो महंगे पेट्रोल का घूंट पीती है और न ही रख रखाव में जेब ढीली कराती है। बस एक बार चार्ज कीजिए और 80 किलोमीटर की सैर कीजिए। माइलेज करीब एक चार्ज पे 80 किलोमीटर है, नॉर्मल 50-60 के स्पीड पे चलेगा तो 40-50 पे, और ऐसे अगर थोड़ा ज्यादा स्पीड चलेगा तो 60 तक चलता है, 60 किलोमीटर। कोरोना काल में कॉलेज से दूर घर पर पढ़ाई कर रहे बीसीए छात्र अपूर्व सिंह ने एक दिन घर के कबाड़खाने में कदम रखा तो पुराने कलपुर्जों को देख कर आइडिया आया। मोटर बियरिंग और टायर को जोड़कर ढांचा खड़ा कर दिया, बेंगलुरु से बैटरी मंगाई और फिर 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब फटफटिया रेडी हो गई तो एक्सेलरेटर दबाते ही बोकारो की चमचमाती सड़कों पर शुरू हो गया सैर सपाटे का सिलसिला। इसमें भैया बैटरी दो लगाए, मतलब मोस्टली सेकंड हैंड इक्विपमेंट है सारा, और मोटर है इलेक्ट्रिक, जो रिक्शा आता है ना ऑटो रिक्शा टोटो, उसका मोटर है और 1000 वाट का मोटर है, बैटरी है 2000 वाट का। दो चार्ज होते ही जब ये इलेक्ट्रिक फटफटिया फर्राटा भरने लगती है तो देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। बिना पेट्रोल और बिना मेंटेनेंस के सड़कों पर दौड़ने वाली ये फटफटिया महंगाई से परेशान मिडिल क्लास की सच्ची हमसफर बन सकती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहें आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। पापा यमा से आप